पूर्वांचल समाज के सबसे बड़े त्यौहार छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। आज से छठ पूजा की शुरुआत हुई है। छठ घाट से लेकर बाजारों तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बाजार में पहुंचकर पूजा पाठ में प्रयोग होने वाली सामग्री को खरीद रहे हैं। आज हम मौजूद हैं उधम सिंह नगर जिले के बाजार में। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा बाजार में तमाम आइटम दिखा दें कि जो छठ पूजा में प्रयोग किए जाते हैं, पूजा पाठ में अर्पित किए जाते हैं। चलिए इस विषय में बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ भक्तगण भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे इनका क्या कहना है, किस तरह की तैयारियां इस बार छठ पूजा को लेकर उन्होंने की है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुभावती है। सुभावती जी, ये बताइए कि छठ पूजा को लेकर आप तैयारियां आपने शुरू कर दी हैं, कौन कौन सी सामग्री है जिसे खरीदने के लिए आज बाजार पहुंची थी? हम ये डाली खरीदने के लिए, फल वल और थोड़ा बहुत खरीदेंगे। आज तो फल ज़्यादा खरीदेंगे नहीं कि खराब होने का वो है। और बाकी छठ पूजा को हमारा तो बहुत मानता है। आप लोगों से निवेदन है कि जो भी श्रद्धा से करता है उसका मुकामना पूरा होता है। अच्छा, ये बताइए कि कौन कौन से फल हैं जिनको आप खरीदने के लिए बाजार आज पहुंची हुई थी? यही है, नारियल खरीद सकते हैं, जो चीज़ खराब होने वाला नहीं है वो खरीद के रख सकते हैं, जो खराब होने वाला है वो नहीं खरीदेंगे, यही कर सकते हैं। अच्छा, इस बार छठ पूजा पे और क्या तैयारियां की हैं, क्योंकि जिस तरह से कल से व्रत शुरू हो जाएगा, किस तरह की तैयारियां आप लोगों की तरफ से की गई हैं? अब हमने जो हमको तो उतना ज्ञान है नहीं अभी, ना हम उतना वो जान रहे हैं अभी। जितना हमको जितना पता है उतना खरीदते हैं, जो भी तैयारियां कर रहे हैं, कोसी भर रहे हैं, अब की बार कोसी भर रहे हैं। रहने वाले हम सियासी भट्टा के हैं और वहाँ पे जैसे बैंड बाजा भी बांध रखे हैं, आपकी छठ पूजा के लिए कोसी भी भरेंगे। तो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस बार छठ व्रत करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए महिला श्रद्धालु थे, उन्होंने हमसे बातचीत करते हुए बताया कि छठ पूजा को बेहद खास त्यौहार है जिसको लेकर पूर्वांचल समाज के लोग पहले से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। देख सकते हैं कि तमाम आइटम जो है ये पूजा पाठ में प्रयोग होते हैं। इन सामानों की खरीदारी करने के लिए भक्त जो है कल से ही बाजार पहुंचने लगे थे। आज अभी भक्त बड़ी संख्या में बाजार में पहुंचकर इन आइटमों की खरीदारी कर रहे हैं, जिसमें देख सकते हैं सकल गंजी है, कसैली है, आंवला है, केले हैं, सिंगाड़े हैं और नारियल है। इसके साथ साथ तमाम आइटम है, क्योंकि ये प्राकृतिक का व्रत माना जाता है, इसमें प्राकृतिक की पूजा की जाती है, इसीलिए इस व्रत में फल फूल माँ को अर्पित किए जाते हैं। चलिए इस विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक दुकानदार मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे उनकी तरफ से किस तरह की तैयारियाँ की गई हैं। क्या नाम है आपका? मैंने भवानदास गुप्ता है। भगवानदास जी, ये बताइए कि छठ पूजा का त्यौहार आज से शुरू हो चुका है, किस तरह की तैयारियाँ आप लोगों की तरफ से की गई थी? तैयारी है, अनानास है, नारियल है, गोला वगैरह है, पूजा का सामान है, सारा बिकता है इसमें। भक्तों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? भक्त तो बढ़िया मिल रहा है, वहाँ पर जा रहे आ रहे, दुकानदारी हो रही है इसमें। हाँ, सही है। पिछली बार से अच्छा बाजार रहेगा? पिछली बार से बहुत बढ़िया बाजार है इस बार। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए ये व्यापारी थे, और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार और आइटमों को दिखा दें जो खाने पीने की और पूजा में प्रयोग होने वाले आइटम हैं, जिनकी जो है छठ पूजा पे भारी डिमांड रहती है। बड़ी संख्या में जो है ग्राहक बाजार में पहुंच के इन आइटमों की खरीदारी करते हैं। आप देख सकते हैं ये तमाम फल हैं जिनकी ग्राहक खरीदारी कर रहे हैं। खरीदारी करने के बाद से इनकी साफ सफाई करेंगे और बड़ी छठ के दिन शाम को छठ घाट पर इन्हें लेके पहुंचेंगे और छठ मैया की और भगवान सूर्य की आराधना करेंगे। उसके बाद से अगले दिन उगते हुए सूर्य की आराधना करने के बाद अपने व्रत का समापन करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।